मैं हूँ सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि वन विभाग जिस तरह से भ्रष्ट होता जा रहा है, उसी के चलते आज 12 अगस्त 2021 को भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक बेमुद्दत उपोषण को शुरुआत की गई है। और ये उपोषण इस बात को लेकर शुरुआत की गई है कि विभागीय वन अधिकारी कार्यालय के अंतर्गत आने वाले जितने भी झाड़ लगाने की स्कीम्स है, ये परभणी जिले के जिंतूर तालुके में जिस तरह से झाड़ लगाने की स्कीम थी, ये स्कीम पूरी तरह से फेल हो गई है। और यहाँ पर किसी भी तरह के कोई झाड़ आज मौजूद नहीं है, वृक्ष मौजूद नहीं है, जिसको लेकर ऑक्सीजन की कमतरता दिखाई दे रही है। और इसी के चलते आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से ये मांग की गई है। न्यूड़ी जिंतूर तालुके के न्यूड़ी गाँव वासियों ने आज उपोषण को शुरुआत की है। परभणी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने इन्होंने उपोषण शुरू किया है। और आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या कहा है जिन लोगों ने उपोषण को शुरुआत की है। इन लोगों ने किस तरह की मांग की है, इसमें रामेश्वर खिस्ते, बालाजी खिस्ते, इन लोगों के साथ में ही न्यूड़ी के सभी गाँववासी मौजूद है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने जिस तरह से नुकसान किया है, गाँव वासियों को बताया कुछ और है और यहाँ पर वृक्ष लागवड़ नहीं की है। अगर वृक्ष लगाते थे तो ऐसी सूरत में 3 साल तक वो झाड़ बड़े होते हुए नज़र आते थे, लेकिन यहाँ पर झाड़ ही नहीं है, ऐसा भी आरोप भारतीय जनता पार्टी की जानिब से लगाया गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है। वनीकरण चौकशीसाठी मागील 6 महिन्यापासून एक कलेक्टर ऑफिसला चक्र मारत आहे, तरी पण वनीकरणची चौकशी लागली नाही, बोगस कामाची चौकशी। कोणत्या गावातल्या? कुठे? निवळी बुद्रुक। कसे गाव? काम कशा संदर्भात? जिंतूर तालुका, निवळी बुद्रुक। वनीकरण विभागाचं काम आहे आमच्या निवळी गावात केलेलं आहे। आमच्या इथं एक वनीकरणाची खूप मोठी जमीन आहे, त्या जमिनीमध्ये झाड लावण्याचं काम हे 2018 चालू आहे। 3 वर्षाची मुदत होती, 3 वर्ष झाड जगवणं हे वनीकरण खात्याला बंधनकारक होतं, पण एकही झाड लावण्याचं 10% झाडाचं काम केलं आणि बाकी 90% बोगस काम झालं। 10% झाडं लावून पण एकही झाड अस्तित्वात नाही आहे। आज पहिलं जे माळरान होतं आणि यांनी ज्या जमिनी काढल्या त्या जमिनीतले पहिले झाडंसुद्धा आता तिथं अवेलेबल राहिले नाही, कारण की यांनं ते उकराउकरी करून पहिले झाडं काढून नवे लावले, कारण की पहिले झाडंसुद्धा तिथं जे आता उद्ध्वस्त करण्यात आले, इतका बोगस कारभार आहे। हा 6 महिन्यापासून आम्ही मुगळीकर साहेबाला 2 वेळेस, आता अचल मॅडमला पण 1 वेळेस जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं आहे, उपोषणाला बसणार आहेत आता इथून जाऊन आम्ही, आणि ह्याची चौकशी लवकरात लवकर होऊन नवीन झाडं लावून आमचं गाव सुजलाम सुफलाम पुन्हा हिरवगार करावं। वनीकरणाची इतकी मोठी जमीन आहे वाळवंट झालेलं, त्याला हिरवगार करावं अशी आमच्या गावकऱ्यांची अपेक्षा आहे। यामुळं मी, माझे सभापती शिवहरी खिस्ते, हे रामेश्वर खिस्ते, जिल्हा मीडिया अध्यक्ष उपसरपंच सुनील खिस्ते, सरपंच महादेव चांदणे व गावकरी हे सगळे मोठ्या संख्येने सभासद सदस्य आलोत, निवेदन दिलं याची लवकरात लवकर जी चौकशी व्हावी, नाही तर आम्ही बेमुदत उपोषण करणार आहोत। याची जिल्हाधिकारी मॅडमनी पण दखल घेतलेली आहे व प्रशासनानं पण दखल घ्यावी एवढी आमची विनंती आहे। न्यूज कव्हर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चॅनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर, मैं हूँ सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाएं, उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है, मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी, याद रहे आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं, आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुफ्त लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा में सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा, खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर उड़ान पुल के पास,
अनुषा टैकिस के सामने गंगाखेड़ रोड परभनी 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभनी शहर के किसी भी जगह पर पंचर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क जरूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुभेदार नगर, दरगाह रोड, परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890023218। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मुड़व्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक वो नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकेंड नंबर 9420621924।